फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान डी स्टूडेंट्स आज हम फिजिकल पॉलिसी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और आप जानते हैं कि फिजिकल पॉलिसी रिफ्लेक्ट होती है गवर्नमेंट के बजट में तो बजट के रेफरेंस से हम बात करेंगे बजट इज़ एन एनअल फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गर्मेंट एंड इट कंटेन्स एस्टिमेटेड रेवीन्यूज एंड एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग ईयर बजट इज यूजली प्लैंड फॉर वन ईयर और इस बजट वाले साल को हम फाइनेंशियल या फिज़िकल ईयर कहते हैं पाकिस्तान में फिज़िकल ईयर यकम जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर में थर्टी जून को वो कम्प्लीट हो जाता है सो गवर्नमेंट इस फिजकल ईयर के लिए अपनी प्लानिंग करती है वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट बजट का हमारी एक आम शख्स की शहरी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर मरतब होता है इसलिए जब बजट की आमद होती है तो आप हर तरफ इसका जिक्र सुनते हैं मीडिया पर और लोगों की आम लोगों की ज़बान पर सो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो बजट है वो गवर्नमेंट की इकनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल जो उसकी प्रायोरिटीज़ है उसकी एक रिफ्लेक्शन होता है गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो भी उसका मंशूर होता है जो वो लोगों से वादे करके आई होती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रिए बजट ही होता है बजट के ज़रिए से वो अपनी प्रायोरिटीज़ को शो करती है रिफ्लेक्ट करती है बजट के ज़रिए से वो इकॉनमी की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है ओके okay? इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो सपोज़ अगर ख़र्च करती है तो उसके नतीजे में जॉब्स क्रिएट होंगी और इस तरह से वो हाउसिंग पर ख़र्च करती है या जो भी उसकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं तो वो अपनी प्रायोरिटीज़ को इम्प्लीमेंट बजट के ज़रिए से करती है तो ये बजट्स में जो भी फिगर्स होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिग्नलिंग टूल होती है इसके ज़रिए से लोगों को पता चलता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है वो फ्लोरिश करेगा और कौन सा सेक्टर रिलेटिवली लेस इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में सो so, बजट के सोसाइटी पर इकोनॉमी पर उसके बहुत सीरियस और इम्पॉर्टेंट उसके कॉन्सिक्वेंस मुरतब होते हैं बजट अगर गवर्नमेंट इफ़ेक्टिवली प्लान करती है और वो इकोनॉमी की सोशल नीड्स के साथ कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली इसके पॉजिटिव आउटकम्स होंगे और अगर वो पोअरली प्लान कर रही है और इकोनॉमिक की बजाय उसकी इमीडिएट शॉर्ट रन पॉलिटिकल मोटिव्स हैं तो ऑबियसली उसके एडवर्स इकोनॉमी के लिए इम्प्लीकेशंस होंगी बजट के बारे में दो अप्रोचेस हैं एक्टिविस्ट अप्रोच के तहत फिजिकल पॉलिसी और बजट के टूल्स के ज़रिए से वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर एग्जांपल लॉन्ग रन ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का ऑब्जेक्टिव है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने का इनकम इनिक्वालिटी को कम करने का ऑब्जेक्टिव है या और इस तरह के जो भी गवर्नमेंट के ऑबजेक्टिव्स हैं वो बजट के जरिए से एक्टिविस्ट के मुताबिक बजट के ज़रिए से उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है नॉन एक्टिविस्ट अप्रोच के तहत वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का बजट बैलेंस होना चाहिए ताकि लॉन्ग रन में डेट एक्यूमुलेट ना हो और इकॉनमी के लिए प्रॉब्लम ना पैदा करे। अगर आप पाकिस्तान के कुछ लास्ट ईयर्स के बजट की फिगर्स को देखें इस स्लाइड में फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफिसिट ये तीन आइटम्स को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी शो किया गया 2015-16 में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था ये 13.6 परसेंट ऑफ जीडीपी था जबकि एक्सपेंडिचर 17.7 परसेंट था और इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो ये 4.1 परसेंट सेवनटीन में से थ्री थर्टीन माइनस करेंगे तो 4.1 परसेंट इज़ द बजट डेफिसिट तो अगले साल में बजट डेफिसिट 4.1 से 5.2 फाइव पॉइंट एट सेवन पॉइंट नाइन और आप देख लेंगे ये कंटीन्यूसली इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और ये पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों की परफार्मेंस फिज़िकल परफॉर्मेंस रही है। कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो हैं उनके रेवन्यू की नस्बत एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा रहे हैं और इन दोनों का डिफरेंस वक्त के साथ साथ बढ़ता रहा है और इस इम्बेलेंस का जो बजट डेफिसिट ओवर द टाइम इंक्रीज़ होता रहा है। इसका इंपैक्ट किस पर होगा पब्लिक डेट पर इसका इंपैक्ट होगा तो पब्लिक डेट ये दो तरह का इस डायग्राम में शो किया गया है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट दोनों में इजाफा हुआ है डोमेस्टिक डेट को ये रेड वाली लाइन और बिलो वाली लाइन एक्सटर्नल डेट को शो कर रही दोनों में इजाफा हुआ है लेकिन आप देखेंगे कि अप टू टू इजाफा रिलेटिवली कम हो रहा था एंड आफ्टर 2018 इजाफा में ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो गया और इसको अगर आप कंपेयर करें 2011 की वैल्यू को 2023 की वैल्यू के साथ तो डोमेस्टिक डेट जो है वो 6000 से बढ़कर 35000 फाइव आलमोस्ट सिक्स टाइम्स उसमें इजाफा हो गया और जो एक्सटर्नल है उसमें आलमोस्ट फाइव टाइम्स इजाफा हुआ है तो ये पाकिस्तान के बजट डेफिसिट की वजह से जो पब्लिक डेट में इजाफा हुआ है उसके एक पिक्चर है ये 22 23 के बजट को अगर हम एक नज़र देखना चाहें तो लेफ्ट साइड पर रिसोर्स हैं राइट साइड पर एक्सपेंडिचर्स हैं और तमाम फिगर्स जो हैं ये बिलियन रुपीस में मेंशन की गई सो टोटल जो रिसोर्स हैं एक तो टैक्स से जो एफ कलेक्ट आर करता है वो इस साल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में सात हज़ार चार सौ सत्तर बिलियन रुपीज़ थी और नॉन टैक्स रेवेन्यू उसकी वैल्यू उन्नीस सौ पैंतीस है ओके okay? सो so, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ग्रास रेवेन्यू रिसीट्स नौ हज़ार चार सौ पाँच बिलियन रुपीस थी और इसमें से फिर फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस को शेयर देना पड़ता है ठीक है तो वो शेयर गवर्नमेंट ने दिया चार हज़ार तीन सौ तिहत्तर बिलियन रुपीस प्रोविंसेस को ये चार हज़ार तीन सौ तिहत्तर ये जो एफ़ बी आर टैक्स इकट्ठा करता है उसमें से शेयर एन एफ सी के ज़रिए उसमें तय किया जाता है और वो शेयर प्रोविसेस को जाता है तो नेट जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स बचे वो है पाँच हज़ार बत्तीस बिलियन रुपीस लेकिन गवर्नमेंट का जो करंट एक्सपेंडिचर है ये है आठ हज़ार सात सौ नौ बिलियन रुपीस तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास टैक्स और नॉन टैक्स रिसोर्स से टोटल जो फेडरल गवर्नमेंट के पास रिसोर्स अवेलेबल हैं वो पाँच अरब रुपये हैं जबकि उसका करंट एक्सपेंडिचर वो तकरीबन आठ हज़ार सात सौ रुपये था प्लान किया गया इसकी अगर आप डिकम्पोजिशन देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है आठ हज़ार में से तकरीबन चार हज़ार के करीब इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है फिर बाकी और चीज़ें हैं डिफेंस है पेंशन है और इस तरह की और सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं तो ये तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स क्या अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या हैं और फिर ये जो डिफरेंस उनमें हो जाता है उसकी वजह से डेट क्यों एक्यूमुलेट होते हैं ये आखिरी स्लाइड है जिसमें एन एफ़ अवार्ड की मैंने अभी बात की थी उसके बारे में है कि एफ जितने रिसोर्स टैक्सेस से इकट्ठे करता है उसके 57.5 परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और फेडरल के पास 42.5 परसेंट बेचते हैं और प्रावेंसेज में वो किस तरह से होते हैं ये पंजाब का शेयर 51.74 परसेंट है सिंध का 24.5 केपीके 14.6 फाइव के पॉइंट एंड बलोचिस्तान का 9.09 तो इस तरह से ये 57.5 परसेंट शेयर ये प्राविसेज में चले जाते हैं और फेडरल के पास 42.5 परसेंट बेचते हैं थैंक यू वेरी मच